मेरठ में रहने वाले भगवान शिव के भक्त अमित सिंगल के जीवन में जो अद्भुत चमत्कार हुआ है वो सुनकर आज आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए ऐसी सच्ची घटनाएं लाते रहें तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और ये वाली नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके हमें सपोर्ट करें। अब शुरू करते हैं। तो अमित सिंगल के जन्म लेने से पहले उसके माता पिता भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। हर दिन भगवान शिव की घंटों घंटों आराधना करते। उनके दिल और दिमाग में बस हर समय भगवान शिव ही चलते रहते थे। अमित का जन्म 31 अगस्त 1975 में हुआ और उसका चेकअप करते हुए डॉक्टर ने पाया कि अमित अपाहिज है। जब डॉक्टर ने उसके माता पिता को ये बात बताई तो मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अमित के पिता को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। ये सोचकर कि उनका बेटा कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा, अमित के माता पिता की भगवान शिव में श्रद्धा कम होती चली गई। धीरे धीरे अमित के पिता के अंदर भगवान शिव के प्रति बस इतनी बुरी भावनाएं हो गई थी कि वो जब भी अपने अपाहिज पुत्र अमित को देखते तो बस उनका अपने घर में शिव जी को देखने का मन भी नहीं करता था। उनको बस ये लगने लगा था कि भगवान शिव ने उनकी भक्ति का मजाक उड़ाया है और वो इतना क्रोधित हो गए, इतना गुस्से में आ गए कि उन्होंने अपने घर के पूजा रूम में से भगवान शिव के विग्रह को उठाकर नदी में बहा दिया। उनकी पत्नी उनसे बहुत लड़ी पर अमित के पिता ने उनकी एक ना सुनी। कुछ टाइम बाद अमित की कुंडली दिखाने के लिए उन्होंने अपने पास के मंदिर से पंडित जी को बुलाया और उन पंडित ने कुंडली देखकर बताया कि ये बच्चा शिव जी का परम भक्त है। तब अमित के पिता गुस्से से बोले कि इस घर में शिव पूजा तो दूर की बात है, कभी शिव जी का नाम भी नहीं लिया जाएगा। अमित के पिता के दिल में इतना क्रोध, इतनी पीड़ा थी कि उन्होंने पंडित जी को गुस्से में बोल दिया कि वो अपने पुत्र अमित के ऊपर कभी भी शिव जी की छाया नहीं पड़ने देंगे। बस उस दिन के बाद से अमित के पिता ने अमित के बड़े होने तक घर में कभी शिवरात्रि नहीं मनाने दी और कोई पूजा भी नहीं होने दी। पूरे 18 साल तक अमित ने शिवजी तो क्या, किसी और देवी देवता का नाम भी नहीं सुना था। उसकी सारी दुनिया उसके कमरे तक ही सीमित थी, कभी वो अपने घर के बाहर गया ही नहीं। जब अमित 18 साल का हो गया तब उसके पिता ने मेरठ में ही दूसरी जगह घर लिया और वो सब वहीं पर शिफ्ट हो गए। ये घर मेन रोड पर था। अमित घंटों घंटों बालकनी में बैठकर अपना समय निकालने लगा। एक दिन वो बालकनी में बैठा था और उसे कुछ लोग दिखे जो बम बम भोले करते हुए वहां से जा रहे थे। ये सुनकर और देखकर उसके खुद पे खुद ही रोंगटे खड़े हो गए। वो इतना उत्साहित हो गया कि बस घर में जोर जोर से बम बम भोले बोलने लगा। ये देखकर उसके पिता एकदम शॉक रह गए और गुस्से से अमित को चुप होने को कहा। उन्होंने अमित को बालकनी में बैठने से मना कर दिया। ये डांट खाकर अमित बस और बेचैन होने लग गया। उसके अंदर बस एक क्यूरियोसिटी थी, वो जानने की बेचैनी थी कि ये लोग कौन हैं। रात को जब अमित सोने की तैयारी कर रहा था तब उसे फिर से बम बम भोले की आवाज सुनाई दी। ये सुनकर उसे रहा नहीं गया और वो जैसे तैसे अपनी व्हीलचेयर से गिरते हुए रात में ही उनके पीछे निकल पड़ा। सुबह उसके घर वाले अमित को अपने कमरे में ना पाकर बहुत परेशान हो गए और उसे हर जगह ढूंढने लगे, लेकिन अमित उन कावड़ियों के पीछे पीछे चलता रहा और अपनी व्हीलचेयर पर एक पास के मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर गिर पड़ा। जब वहां के पंडित जी ने उसे होश में लाया और उसे उठाया तब अमित ने एकदम से पूछा कि ये बम बम भोले करने वाले लोग हैं कौन। तब पंडित जी ने बताया कि ये सभी शिव भक्त हैं और गंगा जल को अपनी कावड़ में रखकर भगवान के वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का अभिषेक करने के लिए जा रहे हैं। तभी अमित बोला कि उसे भी अभिषेक करना है। उसी समय उसके पिता उसे ढूंढते ढूंढते वहां पर आ गए और बहुत गुस्से में उसे डांट कर वहां से ले गए। घर पहुंचकर अमित ने अपने माता पिता से वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जाने की जिद करी, लेकिन इस बात पर उसके पिता बहुत गुस्सा हो गए और साफ मना कर दिया। उसके पिता बोले कि वो अपने पुत्र को उसके पास बिल्कुल नहीं भेज सकते जिसे उसने अपाहिज बनाकर उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। रात को अमित रोते रोते भगवान शिव को याद करते करते सो गया। तब उसने सपने में देखा कि वो बम बम भोले करता हुआ कावड़ लेकर जा रहा था और जैसे ही वो अभिषेक करने वाला होता है वो गिर जाता है और उसके पैर काम करने बंद हो जाते हैं। तभी उसे सपने में शिवजी दर्शन देते हैं और वो उनसे पूछता है कि वो इतना लाचार क्यों है। तब भगवान शिव बोले, तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ अमित। तुम गंगा जी को मेरे पास लेकर आना चाहते हो तो मैं खुद ही गंगा जी को तुम्हारे पास भेज देता हूँ, तुम चिंता मत करो। शिव जी ने उसे आगे ही बोला कि वो अपनी जिद से अपने माता पिता को परेशान ना करे और वो हमेशा उसके साथ है।
सुबह जब अमित उठा तो उसने ये सपना अपने माता पिता को बताया और बोला कि वो वैसा ही करेगा जैसे उसके माता पिता चाहते हैं। 3 दिन बीत गए पर उसके घर कोई गंगा जल लेकर नहीं आया और अमित को लगने लगा कि वो बस एक सपना ही था। लेकिन 7 अगस्त 1993 को जब अमित सोकर उठा तो उसने देखा कि उसके बेड के आसपास हर जगह बस पानी फैला हुआ है। अगले 2-3 दिन तक बेड के नीचे बस पानी भरा हुआ था और घर में कोई समझ नहीं पा रहा था ये पानी आ कहां से रहा है। छत भी सूखी थी, बारिश भी नहीं हुई थी। थोड़ा ध्यान से देखने पर पता चला कि वो पानी तो अमित की चादर से आ रहा है। ये देखकर सब शॉक रह गए कि चादर पूरी सूखी है तो चादर से पानी निकल कहां से रहा है, आ कहां से रहा है। अमित ये देखकर एकदम समझ गया कि और कोई नहीं गंगा जी ही हैं। घर ही नहीं पूरे शहर में लोग अचंभित हो गए थे और ये चादर से गंगा जल निकलने का सिलसिला पूरे 11 दिन तक चला और पानी तभी टपकता जब अमित चादर पर बैठा होता। ये देखने दूर दूर से शिव जी के भक्त अमित के घर आने लगे और उसके घर को शिव जी का मंदिर बना दिया। मेरठ के लोकल न्यूज रिपोर्टर्स ने भी ये पूरे इंसिडेंट को बहुत अच्छे से कवर किया। पानी टपकना बंद होते ही अमित के दिल में वैद्यनाथ धाम जाकर शिव जी का अभिषेक करने की इच्छा हुई और इस बार उसके पिता ने ये सब चमत्कार देकर उसे जाने की अनुमति तो दे दी। लेकिन क्योंकि अमित अभी भी अपने पैरों पर नहीं चल सकता था तो इस वजह से उसके पिता ने बोल दिया कि उन्हें ऑफिस से इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिल सकती और वो उसे वैद्यनाथ नहीं लेकर जा पाएंगे। तभी वहीं पर पास के शिव मंदिर के पंडित आए और उन्होंने बोला कि अमित को वैद्यनाथ लेकर वो जाएंगे। पंडित जी ने बताया कि वो इस साल वैद्यनाथ नहीं जाने वाले थे लेकिन अमित के ऊपर ऐसी शिव जी की कृपा के बाद उन्होंने जाने का फैसला किया। अमित के पिता तब भी थोड़ा सा हिचकिचाए लेकिन अंत में अमित के मनाने पर वो मान गए। अगले ही दिन पंडित जी अमित को लेकर वैद्यनाथ की तरफ चल पड़े। बम बम भोले करते हुए वो और दूसरे कावड़ियों के साथ आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अमित ने नोटिस किया कि पंडित जी बम बम भोले नहीं बोल रहे। ये देखकर अमित ने जब उनसे बोला कि वो उनके साथ बम बम भोले क्यों नहीं बोल रहे तब पंडित जी बोले कि वो सुन रहे हैं। तो पूरे रास्ते प्रार्थना करते करते भगवान शिव के गुणगान करते करते अमित दूसरे कावड़ियों के साथ 31 अगस्त को वैद्यनाथ मंदिर पहुंच गया। मंदिर पहुंचने पर पंडित जी ने उसकी कावड़ से गंगा जल निकालकर अमित को दिया और वहां से अमित को ये बोलकर चले गए कि वो हाथ पैर धोकर अभी आते हैं। उनके जाने पर कावड़ियों की भीड़ में ही अमित की व्हीलचेयर पर एकदम धक्का लगा और जैसे ही अमित गिरने वाला था वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वहां पर सभी कावड़ियों ने ये सब देखा और अमित के साथ साथ वो सब शॉक रह गए। अमित को खुद यकीन नहीं हुआ। ये चमत्कार देखकर सभी जोर से जोश में बोलने लगे बम बम भोले और तभी वो खुद चलकर मंदिर की सीढ़ियों से वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग तक पहुंच गया और वहां खुद शिव जी का अभिषेक कर दिया। अभिषेक करते ही वो गिर पड़ा और पंडित जी वहीं पर आ गए। अमित बस इतना खुश था कि वो पंडित जी से पूछ रहा था कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तभी पंडित जी बोले कि ये चमत्कार शिव जी की कृपा के साथ साथ अमित की शिव जी में पूर्ण निष्ठा होने के कारण हुआ है। पंडित जी ने उससे बोला कि ये शिव जी की तरफ से तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन का उपहार है। ये सुनकर अमित को एकदम याद आया कि आज तो 31 अगस्त है और आज उसका जन्मदिन है और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। अब यहाँ पर आता है पूरी घटना का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा। तो वहीं मेरठ में कुछ दिनों बाद 6 सितंबर 1993 को अमित के पिता को पास के मंदिर के वही पंडित जी मिले। पंडित जी के मिलते ही अमित के पिता ने एकदम पूछा कि वो कैसे हैं और उनकी यात्रा कैसी रही और अमित को लेकर वो कितनी देर पहले वापस आए। तब वो पंडित जी एकदम शॉक रह गए और उन्होंने पूछा कैसी यात्रा, मैं तो कभी गया ही नहीं। अमित के पिता बोले अरे तुम मेरे पुत्र को वैद्यनाथ लेकर गए तो थे, मजाक क्यों कर रहे हो। वो पंडित जी बोले मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस वर्ष मैं वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग नहीं जा रहा हूँ। अमित के पिता को अब गुस्सा आ गया और वो गुस्से में पूछने लगे कि कहाँ है मेरा पुत्र। तब अमित के पिता ने पंडित जी को गाड़ी में बिठाकर पुलिस स्टेशन चलने को कहा। वहीं उसी वक्त अमित के घर पे अमित सकुशल वापस आ गया और उनके साथ और कोई नहीं बल्कि वही पंडित जी उनको लेकर आए थे। ये सब कुछ उसकी माँ बहन और उसके पूरे परिवार ने देखा। जैसे ही पंडित जी ने उसे उसके घर पर पहुंचाया वो वहां से निकल गए और तभी कार में अमित के पिता वही पंडित जी के साथ वहां पहुंचे। पंडित जी को देखकर उनका पूरा परिवार चौंक गया और पूछा कि आप एकदम से अमित के पिता के साथ कार में कैसे आए। पंडित जी ने बताया कि वो तो पुलिस स्टेशन से उन्हीं के साथ कार में बैठे थे, पर उसके परिवार को विश्वास नहीं हुआ। वहीं अमित को एकदम याद आया कि पूरे रास्ते पंडित जी ने एक बार भी बम बम बोले नहीं बोला और जब उन्होंने उनसे पूछा था कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप बोल क्यों नहीं रहे हैं बम बम बोले, तब उन्होंने बोला था कि वो सुन रहे हैं। ये सब देखकर अमित और उसके पूरे परिवार को यकीन हो गया था कि वो और कोई नहीं बल्कि भगवान शिव थे।
इतना बड़ा चमत्कार देखने के बाद अमित के पिता के रोंगटे खड़े हो गए और वो इतने सालों बाद फिर से शिव जी को याद करके बम बम भोले बोलने लगे। तो देखा आपने शिव जी का ये चमत्कार? वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी सच्ची घटनाएं सुनने के लिए यहाँ पर क्लिक करें और जाने से पहले भक्ति डोडे को सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा।